गुड मॉर्निंग क्लास, लेट्स कंटिन्यू द लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस को कंटिन्यू करते हैं। जैसे अपन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में बात कर रहे थे, डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर भी अपन बात कर रहे हैं लार्ज इंटेस्टाइन। डाइजेस्टिव सिस्टम में किसके बारे में बात कर रहे हैं अपन? लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में बात कर रहे हैं। लार्ज इंटेस्टाइन जो है इसको लार्ज क्यों बोलते हैं? बिकॉज इट इज वाइडर देन स्मॉल इंटेस्टाइन। ये जो है स्मॉल इंटेस्टाइन की कंपेयर क्या होती है? वाइडर होती है। इसकी लेंथ होती है अप्रोक्सीमेटली 2 मीटर। और बेसिकली इट इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। नंबर 1 इज कैकम, कोलोन एंड रेक्टम। राइट, फंक्शन की बात करें तो इसका मेन फंक्शन होता है टू एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल। राइट, ये वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करती है। यहाँ पे एक बात है कि लाइक ये वाटर और मिनरल को क्यों एब्जॉर्ब करती है? ये जो है फूड पार्टिकल्स को भी, और जो है उनको भी एब्जॉर्ब कर सकती है, पर ऐसा नहीं होता है। इट हैज नॉट एनी काइंड ऑफ विली। इसके अंदर कोई किसी प्रकार की विली नहीं पाई जाती है। वी कैन से विली आर एब्सेंट। एब्सेंट इन लार्ज इंटेस्टाइन। इससे पहले अपन ने स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में बात कर ली थी कि फूड कम्स टू द स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर आने के बाद पे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर डाइजेशन की प्रोसेस भी होती है, एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस भी होती है। राइट, सब जो है ये ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम के अंदर सारी फंक्शनिंग होती रहती है। फाइनली जो भी फूड मटेरियल है जो एब्जॉर्ब नहीं हुआ है और वाटर और मिनरल्स है जो एब्जॉर्ब नहीं हुए हैं, दोज आर डिसेंड टू द लार्ज इंटेस्टाइन। किसमें डिसेंड कर दिए जाते हैं? लार्ज इंटेस्टाइन में डिसेंड कर दिए जाते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर वाटर और मिनरल्स तो एब्जॉर्ब होते हैं, बाकी जो अनडाइजेस्टिंग फूड है, अनडाइजेस्टिंग फूड जो लार्ज इंटेस्टाइन का सबसे लास्ट वाला रीजन है रेक्टम। रेक्टम के अंदर जो है जाकर स्टोर हो जाता है। रेक्टम की कैपेसिटी होती है, अगर लिक्विड के अंदर बात करें तो 700 ml to 800 ml, 700 ml से लेके 800 ml तक का जो है मटेरियल रेक्टम के अंदर स्टोर होता है। और जैसे ही रेक्टम फुल होता है तो ऑटोमेटिकली जो है अर्थ डेवलप हो जाता है और रेक्टम जो है आगे चलकर एक पार्ट में ओपन होता है, इसको बोलते हैं एनस। एनस वर्क्स जस्ट लाइक स्पिंचर। एनस जो है स्पिंचर की तरह काम करता है। एनस के ओपनिंग के थ्रू जो है जो भी वेस्टेज रेक्टम के अंदर स्टोर था वो एनस के थ्रू बाहर निकल जाता है। अब जिस रीजन के ऊपर कैकम और सीकम इलियम से मिलता है वहां पे एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, उसको बोलते हैं अपेंडिक्स। अपेंडिक्स जो है एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है जो कि सीकम और कोलोन वाले, सीकम और इलियम वाले रीजन के ऊपर जो है पाया जाता है। बहुत बार देखने को मिलता है कि इसके अंदर भी आउटग्रोथ देखने को मिलती है, लाइक इट इज सकिंग न्यूट्रिशन एंड गेटिंग एनलार्ज इन साइज। आफ्टर सकिंग द न्यूट्रिशन इट क्रिएट्स पेन, एब्डोमिनल पेन जो स्टार्ट हो जाता है। ड्यूरिंग दैट सिचुएशन अपेंडिक्स को जो है सर्जरी के थ्रू बाहर निकाला जाता है। सो दैट इज ऑल अबाउट द लार्ज इंटेस्टाइन। ये सारी चीजें लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में है। इससे पहले अपन ने ग्लैंड्स के बारे में बात कर ली थी, सलाइवरी ग्लैंड, लीवर, पैंक्रियाज। वी हैव टॉक्ड अबाउट ईसोफेगस, स्टमक एंड स्मॉल इंटेस्टाइन। दैट वॉज द टाइम जब अपन जो है लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में बात कर रहे हैं। यहीं पे जो है आपका डाइजेशन खत्म हो जाता है।
next day we're going to talk about the next topic, that is excretory system. अपन excretory system के बारे में बात करेंगे. I hope you have understood about large intestine. Thanks, have a nice day.